हेलो स्टूडेंट्स मैं राजकुमार हिमालयन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से हगर पाठशाला के इस से सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर सिक्स का सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ही मैन्युफैक्चरिंग निर्माण उद्योग और निर्माण उद्योगों से संबंधित उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जो पिछले कुछ वीडियोस होंगे उन वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विनिर्माण उद्योग किन्हें कहा जाता है और द्वितीय क्रिया किसे कहा जाता है उनके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा मैं थोड़ा सा आपसे आपकी जो पिछली वीडियो है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएँ कि द्वितीय क्रियाएँ होती क्या हैं तो द्वितीय क्रियाओं के बारे में सबसे पहले द्वितीय क्रियाओं से अभिप्राय हुआ प्राथमिक क्रियाओं के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा द्वितीय क्रियाओं के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो द्वितीय क्रियाएं जो हैं वो द्वितीय क्रियाएं ये ऐसी क्रियाएं हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मानव पहले से विद्यमान जो वस्तुएँ हैं ठीक है पहले से ही वस्तुओं जो है वो प्रेजेंट हैं उन वस्तुओं के रंग रूप और उनकी उपयोगिता इत्यादि में वो परिवर्तन करता है और जब उपयोगिता में उसके साथ साथ उपयोगिता में जब वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है उसकी कीमत भी बढ़ती चली जाती है ठीक है इसी कार्य को क्या कहा जाता है द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है या निर्माण उद्योग जो है कहा जाता है ठीक है निर्माण का अर्थ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना ठीक है और उद्योग का अर्थ होता है उद्यम उद्यम अर्थात कार्य ठीक है अर्थात यह वह कार्य हुआ जिस कार्य में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है ठीक है तो इसी को ही निर्माण उद्योग कहा जाता है तो आज हम इस चैप्टर में आ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ठीक है निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो निर्माण उद्योग हैं इन उद्योगों का वर्गी वर्गीकरण जो है अलग अलग इसका आधार है ठीक है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज है आकार सा, के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ठीक है इनपुट या रॉ मटेरियल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण फिर उसके साथ साथ जो है आउटपुट या प्रोडक्ट के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ठीक है फिर साइज के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ये सारा का सारा जो है अलग अलग बेस के ऊपर जो है उद्योगों को हम वर्गीकृत करते हैं ठीक है आगे चल करके इनके सब डिवीजन जो है और अलग हो जाते हैं जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ है तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ आप देख रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री है स्मॉल इंडस्ट्री है लार्ज इंडस्ट्री है इनपुट और रॉ मटेरियल के आधार पर जो उद्योग हैं जैसे एग्रो वेस्ट हैं मिनरल वेस्ट हैं केमिकल वेस्ट हैं फॉरेस्ट बेस्ड हैं एनिमल बेस्ड हैं ठीक है आउटपुट या प्रोडक्ट के आधार पर जो उद्योग हैं उनमें हम देखते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं ये सारे की सारी जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं वो हम इस टॉपिक में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे ठीक है तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है उद्योगों का वर्गीकरण तो उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं जो उद्योग जो जिस भी प्रकार की वस्तु का जो निर्माण करता है या जिस वस्तु की वो उपयोगिता में परिवर्तन लाता है उसको हम बोलते हैं कच्चा माल ठीक है अलग अलग उद्योग में अलग अलग प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसिंग के बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है तो सबसे पहले जो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग हैं इन उद्योगों में सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग हैं ये वह उद्योग होते हैं जो आ, कच्चा माल कृषि जो क्षेत्र है हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उस प्राथमिक क्षेत्र से ये कच्चा माल प्राप्त करते हैं ठीक है और उसकी फिर आगे चल कर की प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है जैसे इसका एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग जितना भी आ, हमारे खाद्य सामग्री तैयार होती है ठीक है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वेजिटेबल ऑयल है फिर कॉटन टेक्सटाइल है डेयरी प्रोडक्ट्स इत्यादि आ जाते हैं लेदर इंडस्ट्रीज uh, इसमें आ जाती हैं तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री अपना कच्चा माल जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त करती हैं इसीलिए इन उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है फिर सेकंड नंबर पे आता है कच्चे माल पर ही आधारित जो उद्योग हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वो आता है मिनरल वेस्ट ठीक है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज या खनिज आधारित उद्योग ये ऐसे उद्योग हैं जो कच्चा माल कहाँ से माइनिंग के द्वारा जो है वो प्राप्त करते हैं खनन के द्वारा जो है इनको कच्चा माल प्राप्त होता है इस प्रकार के खनन के अंतर्गत जैसे ओर है आयरन ओर है ठीक है लोहो खनिज जिसको हम बोलते हैं तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं रॉ मटेरियल जो है माइनिंग के द्वारा जो है ये प्राप्त करेंगी खनन के द्वारा जो है इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है आप यहाँ एक एक पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पे आयरन ओर जो है वो खनन के द्वारा माइनिंग के द्वारा जो है निकाला जा रहा है यहाँ पे ट्रक में लोड किया जा रहा है मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है फिर सेकेंड पिक्चर में आप दो लोग देख रहे हैं कि सेकेंड पिक्चर में इसी आयरन और को आगे चल करके इसको मेल्ट किया जाता है फिर मेल्ट करने के पश्चात जो है वो लोहा या स्टील जो है वो तैयार की जाती है ठीक है इस प्रकार के उद्योगों को कहा जाता है खनिज आधारित उद्योग मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री जो है कहा जाता है फिर इसके पश्चात आते हैं जो उद्योग हैं वो हैं मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री समुद्र आ, समुद्री आधारित उद्योग या समुद्र पर आधारित उद्योग समुद्र पर आधारित उद्योग जो हैं इस प्रकार के उद्योग होंगे जो अपना कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेंगे सागर महासागरों इत्यादि से यह अपना कच्चा माल जो है वो प्राप्त करेंगे इसमें एग्ज़ाम्पल है फ़िश ऑयल जो तैयार किया जाता है वो इसका बड़ा एग्ज़ाम्पल है या फिर आ, जो आ, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनकी डिब्बाबंदी इत्यादि करना ठीक है खाद्य सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वो क्या क्या कहलाती हैं मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है समुद्र पर आधारित उद्योग जो है कहलाती हैं फोर्थ आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के अंतर्गत फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वन आधारित उद्योग जो वन आधारित उद्योग हैं ये उद्योग जो हैं अपने कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं ठीक है वनों से ही कच्चा माल प्राप्त करेंगे फिर उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है करेंगे उनकी उपयोगिता बढ़ाएंगे ठीक है तो इस इस प्रकार के उद्योगों को वन आधारित उद्योग कहा जाता है ठीक है बहुत सारे ऐसे उद्योग इसमें पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत जो है जैसे फॉरेस्ट के ऊपर हमारा पेपर मिल जो है वो डिपेंड करती है फार्मास्यूटिकल है फर्नीचर इत्यादि है ये सारे एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के हैं आप यहाँ पे इमेजेस में देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ जो है काट करके रखी गई हैं ठीक है फिर दूसरी पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ इन्हीं लकड़ी से ठीक है इसी प्रकार की लकड़ी से जो है आगे चल करके पेपर जो है वो तैयार किया जा रहा है इंडस्ट्री में जा कर के तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या दूसरी अन्य प्रकार की फर्नीचर इंडस्ट्री इत्यादि जो है वो वन आधारित उद्योगों का एग्ज़ाम्पल है फिर इसके पश्चात जो दूसरा प्रकार आता है उद्योगों का वर्गीकरण के अंतर्गत वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो आता है प्राइवेट इंडस्ट्री है पब्लिक इंडस्ट्री है ज्वाइंट इंडस्ट्री है या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक जो है वो किसका है वो उसके आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं तो इसी प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत सबसे पहले आता है ऑनरशिप के आधार पर सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ठीक है निजी उद्योग निजी उद्योग जो हैं इस प्रकार के उद्योग होते हैं जिनमें सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट एक किसी एक व्यक्ति की या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है वो उद्योग चलाया जाता है किसी एक व्यक्ति विशेष का जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो शेयर उसके अंदर होते हैं तो ऐसे उद्योगों को प्राइवेट इंडस्ट्री जो है कहा जाता है आप पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं टाटा स्टील ठीक है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है एक निजी उद्योग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आजकल आप लोग जो है रिलायंस का नाम आप लोग सुनते होंगे जियो का नाम आप लोग सुनते हैं ठीक है या विडला जिंदल आ, स्टील इत्यादि इनका नाम आप लोग सुनते होंगे ये सारे के सारे जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट भी किसी एक व्यक्ति विशेष की होगी और उसमें जितना लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो इस एक व्यक्ति विशेष का ही होता है ऐसे उद्योगों को हम क्या बोलते हैं निजी उद्योग जो है हम कहते हैं इसके पश्चात आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पी एस यू भी इसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट जिन जिनको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट अपने आप जो है इस प्रकार की इंडस्ट्री को चलाती हैं ठीक है इस प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत यहाँ एग्ज़ाम्पल है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एच ठीक है ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है या इंडियन रेलवे ठीक है ये भी इसका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्ज़ाम्पल है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की होती है लॉस प्रॉफिट जो भी होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर का ही ऐसा इसमें होता है ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है सार्वजनिक उद्योग जो है कहा जाता है लिमिटेड इंडस्ट्रीज भी इनको कहा जाता है फिर थर्ड उसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वो आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज संयुक्त क्षेत्र के उद्योग संयुक्त क्षेत्र क्षेत्र के जो उद्योग हैं इसमें इस, इस प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत सेंटर गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का इसमें शेयर होगा या फिर गवर्नमेंट का या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री किसी एक व्यक्ति विशेष का किसी एक इंडिविजुअल की शेयर पार्टनरशिप जो है इसके अंतर्गत होगी ठीक है इस प्रकार के उद्योगों को क्या कहा जाता है प्राइवेट सॉरी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है कहा जाता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के जो है इस प्रकार के उद्योगों को चरण करते हैं एग्जाम्पल है इसमें मारुति उद्योग राइट right? इसके पश्चात आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ सहकारी क्षेत्र के उद्योग सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो हैं इस प्रकार के उद्योग होते हैं जो कुछ एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा जिन उद्योगों को चलाया जाता है इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं या तो वो सप्लायर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या उसमें काम करने वाले लोग होते हैं या फिर रॉ मटेरियल जो है वो उपलब्ध कर कर करने वाले लोग जो होते हैं इसी प्रकार के उद्योग भारत देश में भी हैं जैसे शुगर मिल इंडस्ट्री लगी हुई है बहुत सारे पांच सात किसान जो है इकट्ठे हो जाते हैं जो गन्ने की खेती करते हैं और वही एक उद्योग लगा लेते हैं शुगर मिल का उद्योग वो कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज ठीक है यहाँ पर आप लोग अमूल इंडिया ठीक है इसका एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे ये भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री सॉरी कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है ठीक है तो अमूल के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा इंटरनेट के ऊपर सर्च आप कीजिएगा कि कौन इसको रन करता है किस तरह से रन करता है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये उद्योग जो है चलाया जाता है अमूल नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ठीक है साइज़ के आधार पर तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ साइज कब हम कैसे मेजरमेंट इसमें करेंगे इसमें मेजरमेंट की जाती है कि उसमें कितनी मनी लगी है कितना पैसा उसके अंतर्गत इन्वेस्ट हुआ है इम्प्लॉई जो है वो कितने उनकी कितनी संख्या है या जो उनके गुड्स प्रोडक्ट हैं ठीक है वो ज़्यादा है या कम है ठीक अधिक करते हैं या कम करते हैं उस आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत हम करते हैं तो इस प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत दो प्रकार के उद्योग आते हैं एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग जिनको हम बोलते हैं दूसरा आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़े पैमाने के उद्योग ये दो प्रकार के उद्योग जो हैं इसमें पाए जाते हैं आइए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज आकार के आधार पर उद्योग तो आकार के आधार पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लघु उद्योग के बारे में तो लघु उद्योग जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि छोटा उद्योग होगा जब वो छोटा होगा उसमें कैपिटल उसमें पूंजी उसमें पैसा जो है वो कम इन्वेस्ट हुआ होगा कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा यानी कि हाथों के द्वारा ही ज़्यादातर कार्य जो है वो किया जाएगा ठीक है इसके पश्चात जो है जो उद्योग हैं इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कोई एक बास्केट मेकर है ठीक है टोकरियाँ घर में बनाता है या फिर घर में छोटा सा हथकर जो है लगाता है छोटी मोटी पोट्री इत्यादि बनाता है बर्तन छोटे मोटे बनाता है हैंडीक्राफ्ट का जितने कार्य आते हैं वो लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं इनसे छोटी एक यूनिट होती है उसको कुटीर उद्योग भी कहते हैं कि एक घर में ही एक घर के कोने में या एक कमरे में इस प्रकार का छोटे छोटे उद्योग जो है लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट कार्य जो है उसमें तैयार किए जाते हैं इनको लघु उद्योग या कुटीर उद्योग का नाम जो है इनको दिया जाता है इसी में आप पिक्चर देखिएगा देखिएगा हैंडीक्राफ्ट घर में बैठ करके ही हाथ से ही कपड़े जो है सिलाई का कार्य जो है वो किया जा रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है ठीक है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं है एक सिलाई मशीन है घर में बैठ कर के कार्य जो है वो किया जा रहा है ठीक है इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कहा जाता है अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं जैसा नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि बड़ा हर चीज़ जो है यहाँ पर बड़ी होगी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी पैसा कैपिटल बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत लगा होगा बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर वो फैला होगा काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी ठीक है उसके प्रोडक्ट जो निकलेंगे वो भी बहुत लार्ज स्केल यानी कि पूरे देश में या फिर विश्व स्तर के ऊपर जो है उनकी अपनी एक पहचान होगी ठीक है इनको आ, कहा जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है इनको कहा जाता है तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल्स जितने भी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ऑटोमोबाइल्स है, बनाती हैं गाड़ियाँ इत्यादि बनाती हैं या हैवी मशीनरी जो है वो तैयार करती हैं वो इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे आप एक वीडियो देखिएगा यहाँ पे कार इत्यादि गाड़ियाँ है जो हैं वो तैयार की जा रही हैं ठीक है तो यही बहुत बड़े मशीनरी रॉबर्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं चारों तरफ ठीक है तो इसके हैवी इंडस्ट्री का एक एग्ज़ाम्पल है ठीक है हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है इसके अंतर्गत आती हैं बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर निकलते हैं और पूरी मार्केट में जो है वो छाते हैं आइए अब हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद के आधार पर इनकी प्रोडक्ट जो है वो निकल रहे हैं उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण हम करते हैं सबसे पहले उत्पाद उप, के आधार पर उद्योग आते हैं वो है उपभोक्ता उद्योग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो उपभोक्ता उद्योग हैं ये इस प्रकार के उद्योग होते हैं जिनमें निर्मित होने वाली जो वस्तुएँ हैं वो सीधे उपभोक्ता के पास पहुँच जाती हैं उपभोग के लिए पहुँच जाती हैं इनकी कंज्यूम करने के लिए पहुँच जाती हैं ऐसे उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है जैसे सीमेंट उद्योग है इंडस्ट्री में सीमेंट तैयार हुआ सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचा फिर पेन है फाउंटेन पेन इत्यादि हैं आप लोग बच्चों यूज़ करते हैं पेन जो है वो इंडस्ट्री में तैयार होता है वो सीधे आपके पास आकर के पहुंच जाता है सीधा कंज्यूमर के पास फिर क्लॉथ है ठीक है कॉटन टेक्सटाइल मिल हम टेक्सटाइल मिल जितने भी हैं कपड़ा तैयार होता है कंज्यूमर के पास घड़ियाँ तैयार होती हैं मोबाइल तैयार होते हैं और पेपर इंडस्ट्री इत्यादि जो हैं वो इसके उपभोक्ता उद्योगों के एग्जाम्पल हैं इसके पश्चात जो दूसरे नंबर पर है वो है बेसिक इंडस्ट्रीज बुनियादी उद्योग बेसिक इंडस्ट्रीज इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं बुनियादी उद्योग ऐसे हैं जो छोटे उद्योगों को रॉ मटेरियल जो है उपलब्ध करवाते हैं जैसे मान लीजिए एक बड़ी इंडस्ट्री है आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है वो वहाँ पे लोहा जो है वो तैयार कर रही है लेकिन उसी लोहे से उसी लोहे को अगली इंडस्ट्री कोई एक दूसरा उद्योग जो है वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है चाहे वो कुछ भी तैयार कर रहा है चाहे वो नेट बोल्ट इत्यादि सुई इत्यादि जो है या नीडल इत्यादि जो भी वो तैयार कर रहा है वो उसके लिए बेसिक इंडस्ट्री जो है ऐसे उद्योगों को बेसिक इंडस्ट्री बुनियादी उद्योग जो है कहा जाता है इसके पश्चात है वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज जो वेट लूजिंग कम जो आप यूं भार उन्मूलक उद्योग इनको कहा जाता है ये इस प्रकार के उद्योग होते हैं भार उन्मूलक उद्योग इनमें जो रॉ मटेरियल है वो तो भारी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जैसे ही इनके उत्पाद इनके प्रोडक्ट जो है निकल करके बाहर आते हैं तो उनका वेट जो है वो कम हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है इसका वो है शुगर मिल ठीक है सुगर मिल जो है वो इसी प्रकार की इंडस्ट्री है तो सुगर मिल के अंतर्गत जो है इसमें क्या होता है कि गन्ना जो है वो, वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाएगा और फिर जैसे ही उससे शुगर जो है तैयार होगी चीनी तैयार होगी वो उसका वजन जो है कम हो जाता है लगभग सौ क्विंटल अगर हम गन्ना इस्तेमाल करते हैं तो उससे दस क्विंटल ही चीनी जो है वो तैयार होती है तो वेट जो है वो लूज़ हो जाता है ऐसे उद्योगों के अंतर्गत ठीक है ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है वेट लूज़ तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू थैंक यू Thank you. Thank you very much.